अक्टूबर मनाने के लिए यहाँ गांधी जयंती के लिए उपस्थित हुए हैं ना? Yes, yes, क्या आप सब एग्री इस बात से? Yes, मुझे तो लगता है यहाँ जितने लोग हैं 30-40% जो इसमें पार्टिसिपेट करके, यानी पहली बात एक मैं आपको समझा दूं, जीवन में आगे वही इंसान जाता है जो टीचर से कही गई बातों को फॉलो करेगा। मैं यहाँ नोटिस सबसे करके रखा हूँ, उधर के साइड के बच्चे तो अलग दुनिया में है और बच्चे इधर इधर या जो भी टीचर समझा रहे हैं उनकी बातों को सुन रहे हैं। सब लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मैं पहली बात आपको यह समझा दूं, गांधी जी के बारे में शुरू से ही बताया जा रहा है, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में शुरू से बताया जा रहा है, और आई थिंक मुझे लगता है सभी बच्चों को उनके बारे में पता लग गया। और इससे पहले जो प्रिंसिपल सर आए थे, अपनी बातों को कम समय में बहुत से आंदोलन के और गांधी द्वारा किए गए नेतृत्व के बारे में बता के चले गए हैं। और दूसरी बात, मैं एक आप लोगों को मूल मंत्र दे रहा हूँ कि जो भी बच्चे इंटर में है वो अपने 5 सालों को, अगर जीवन में 50 साल राज करना चाहते हैं तो वो 5 सालों को इस प्रकार निर्धारित कर दे तैयारी में कि कामयाबी उनका जरूर कदम चुमेगी। अगर जो इंटर बाद से थोड़ा सा घबराते हैं तो कहीं ना कहीं उनके समस्याएं उत्पन्न होंगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही टफ हो चुका है। इस बात को मैं कई क्लासों में भी बताया हूँ। तो इंटर बाद, और दादी जी के बारे में तो आप सबको पता है। आइए हम आपको एक छोटा सा कहानी सुनिए, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताना चाहूंगा। अभी मैडम जी बताएं, लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे स्टूडेंट अपने जीवन काल में, यानी जब झूठ रहा था उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी जब वो अपने गांव से स्कूल जाते थे तो रास्ते में एक नदी मिलता था, उस नदी को तैर कर उन्होंने कहानी बताई। वो कहानी सुन के बहुत, आप लोग सोचिए आपके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, लाइट है, ड्रेस है, कमरे है, आपके घरों तक बस जा रहा, तब भी आप कहीं ना कहीं उस लाल, यानी आपको लालची मांगना पड़ेगा, कुछ किसी चीज को पाने के लिए सीखना पड़ेगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, वही कहानी मैं भी सुना हूँ लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। तो जब वो तैर के जाते थे तो अगले दिन कहानी ये है कि कोई एक मुख्य अध्यापक आने वाले थे, यानी कोई विद्यालय में एक मेहमान आने वाले थे, तो उनको ये बताया गया था कि सभी लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, अपने बालों में तेल लगा के, सवार के आप लोग सब लोग नेक्स्ट दिन आइएगा स्कूल। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ये सोच रहे थे, हमारे घर तो पिछले 2 महीने से तेल नहीं है खाने बनाने के लिए, तो मैं कहाँ से अपने बालों में तेल लगा के विद्यालय आऊंगा। हाँ, आग लगी थी, जुनून था कुछ करने के लिए। वो घर पे आते हैं और ये सोचते हैं क्या करूँ क्या करूँ, लेकिन उनके माइंड में तुरंत एक आइडिया आता है। मेधावी छात्र थे भाई, उनका मन टोटल नछावर अपने एजुकेशन पे दिए थे, उन्होंने अपने बालों को मुंडन करवा दिए, क्या ना रहेगा बाल और ना लगाएंगे हम। और अगले दिन अपने बालों को भाई मुंडन होकर चले गए, इसलिए चले गए क्योंकि उस दिन गणित के टीचर एक नए अध्याय को शुरू करते। और फिर अगले दिन वो गए, और एक कहानी और इनके बारे में बताता हूँ कि इनका ये जब रेल मंत्री बन गए थे, पहले की एक कहानी मैं आपको बता दूँ कि ये देश में जब गांधी जी कई आंदोलन को छेड़े थे तो ये उस आंदोलन में भाग भी लिए थे, और इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। और बताया जाता है ऐसे कि एक बार ये जेल में जब बंद थे तो इनकी वाइफ जो थी वो गए थे इनसे मिलने, और उनको ये पता था कि लाल बहादुर शास्त्री जी को आम बहुत पसंद है, तो उन्होंने किसी तरीके से 2 आम को पल्लू में छिपा कर ये जेल के अंदर गए, यानी उससे पहले जांच किया जाता है। किसी तरह वो लाल बहादुर शास्त्री के पास पहुंच गए और धीरे से उनको इशारा किया, अपने दोनों हाथों को फैलाइए, और वो जैसे फैलाए तुरंत वो 2 आम दे, तुरंत वो जेल को बुलाने लगे लाल बहादुर शास्त्री जी, कहे कि देखिए हमारी जो वाइफ है वो कानूनी, यानी कानून का उल्लंघन कर रही है, जो यहाँ का नियम बनाया गया कोई भी चीज बाहर से ना आना चाहिए, ये हमको आम दे रहे हैं। यानी वो इतने ईमानदार थे, उनकी ईमानदारी आज भी प्रतीत ये मानी जाती है। कि एक बार मैं आपको एक और छोटी सी कहानी बता दूं कि वो जब देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे, यानी अभी गुरु जी बताए कि वो भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री रहे, तो उस समय उनको हर प्रधानमंत्री
आदमी को गाड़ी मिलती है, वो गाड़ी सरकारी होती है, उसमें आप पर्सनली यूज नहीं कर सकते। तो उनके लड़के जो अनिल थे, एक बार उन्होंने क्या किया था, देखे गाड़ी खड़ी है, पिताजी नहीं है, और उन्होंने क्या किया, गाड़ी की चाबी लिए ड्राइवर से और लेके चले गए घूमने, और जैसे फिर लेटर वापस आके खड़ी कर दिए, तो जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी आए, उन्होंने देखा कि अरे यार मेरी तो गाड़ी कहीं गई है, तो उन्होंने ड्राइवर से पूछा भाई गाड़ी कौन ले गया, तो उन्होंने कहा कि आपके बड़े लड़के ले गए थे। तो उन्होंने तुरंत कहा कि मीटर को रीड किया और तुरंत अपने पन्नों में ये लिख दिए कि भाई वो गाड़ी 14 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली है, यानी वो मेरे पर्सनल लाइफ में यूज हुआ है। तो अगले दिन वो खत लिख के देते हैं कि 14 किलोमीटर एक्स्ट्रा गाड़ी चली है, जो अगली सैलरी मुझे मिलेगी वो ये यहाँ से काट दिया जाएगा, यानी सैलरी कट हो जाए मेरी। यानी इतना ईमानदार नेता सोचिए, अगर आज के देश में